सब तो पहला तो मैं आज नवरात्रियां दी इस शुभ अवसर ते सारे जनता नूं खास तौर ते संकल्प परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि अज एक जिहड़ा संकल्प दा संकल्प सी वो पूरा होया। संकल्प जिहड़ा पिछले लगभग 25 साल तो समाज सेवा दे विच देश सेवा दे विच लग्या होया और जिस संस्था के माध्यम नाल आज तक 200 तो ज़्यादा IAS IPS HCS IPS PCS एहो जे मैं कहांगा ऑफिसर नहीं एक समाज सेवी जिन्हां नूं देश की सेवा वास्ते कल्ले शिक्षा दे राही नहीं संस्कार दे राही भी उन्हां दे मन दे विच देश भगती की भावना पैदा करके आज जो ये काम संकल्प संस्था कर रही है बहुत ही एक बड़ा काम देश दे निर्माण वास्ते देश दी तरक्की वास्ते ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि आने वाला जिहड़ा कल है उस दे करनदार ये ऑफिसर होण वाले हैं चाहे वह IAS हैं IPS हैं। अगर वह शुद्ध विचारां दे नाल देश दी संस्कृति दे नाल देश दी सभ्यता दे नाल वो जाणू होणगे तो निश्चित तौर दे उत्ते देश नू अपनी पुरानी बुलंदियां ते पहुँचाण वास्ते देश नू दोबारा विश्व गुरु बनाण वास्ते उन्हां दा बहुत बड़ा एक योगदान होएगा। देखो SYL दा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिता है मैं कहांगा जल्दी तो जल्दी वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। कल सैशन विधानसभा पंजाब दा होया जी पहले दिन ही रोक दिता गया वो लीगल इलीगल ते सवाल खड़े हो रहे हैं स्पीकर हो तुसी हरियाणा दे विच भी जदों सैशन जदों बुलाउणा हुंदा है ते किस तरीके नाल बुलाया जांदा तुहानूं लगदा वी वाकई वो इलीगल सी जां लीगल सी? देखो अज जो पंजाब दे विच स्थिति पैदा हुई है राज्यपाल एक संविधानिक संस्था है वो कोई व्यक्ति नहीं है उसका सम्मान मान सम्मान जिहड़ा होना बड़ा जरूरी है। अगर उस दे मान सम्मान नूं कोई ठेस पहुँचाता है जां कोई भी व्यक्ति है तो वह ठीक नहीं है। अज एक संविधानिक लड़ाई शुरू हो गई है अधिकारां दी लड़ाई शुरू हो गई है आपस दे विच मिलजुल करके इसका समाधान होना चाहिए। साढ़े अगे मुख टीचा एको ही होना चाहिए कि असी अपने देश नूं अपने प्रदेश नूं किवें अगे ले जा सकते हैं उहदे विच सानूं किसे साडा कोई अहम वो आड़े नहीं आना चाहिए। अच्छा हरियाणा दी सेपरेट विधानसभा जिहड़ी बणनी जिहदा की प्रोग्राम जल्दी ही होंदे विच आएगी।